अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि वो EPI की टारगेटेड डिजीज़ के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे कि वैक्सीन के बारे में कि कितनी वैक्सीन होती है EPI में, कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं। तो चलिए, टाइप्स ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के टाइप RVV, BOPV, पेंटा, BCG, IPV, PCV10, TT, मीजल्स, ये वैक्सीन होती हैं EPI प्रोग्राम में। और हम बात करें अगर वैक्सीन पुट ऑन, जो वैक्सीन 8 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखी जाती है वो है PCV, IPV, पेंटा, TT। ये चारों वैक्सीन 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखी जा सकती है। उसके बाद है BCG वैक्सीन इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। BCG वैक्सीन पाउडर फॉर्म में होती है, मीजल वैक्सीन वो भी पाउडर की फॉर्म में होती हैं। ये दोनों अगर बात करें इन दोनों की, तो ये पाउडर की फॉर्म में होती हैं वैक्सीन। तो अगर हम बात करें दूसरी वैक्सीन की, तो उसके बाद वैक्सीन PCV10 वो वाटर की फॉर्म में होती है। दो पिछले वाली पाउडर फॉर्म में थी, PCV10 जो है वो एक वाटर की फॉर्म में वैक्सीन, वो एक वाटर की फॉर्म में पाई जा सकती है। और दूसरी मीजल्स और वो एक पाउडर की फॉर्म में पाई जा सकती है। अगर हम दूसरी वैक्सीन के बात करें BCG, इट यूज्ड फॉर TB, वो TB के लिए यूज होती है। बैक्टीरिया एक काज करता है TB, वो एक चाइल्ड के लिए इस्तेमाल करती है। उसका डोज 0.5 होता है, वो इंट्राडर्मली यूज़ करते हैं राइट आर्म यानी एक साइड वाले में, वो 10 to 15 डिग्री के हिसाब से हम यूज़ करते हैं BCG वैक्सीन इंट्राडर्मली। RVV इट यूज्ड फॉर डायरिया, ये एक डायरिया के लिए वैक्सीन यूज़ होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं उर्दू में असहाल, ठीक है, और सिंधी में बोलते हैं दस्त। तो ये RVV डायरिया के लिए हम यूज़ करते हैं वैक्सीन। तो उसके बाद है पेंटा, पेंटा का मतलब है पाँच। पेंटा वैक्सीन है वो एक पाँच वैक्सीन का मरकब है, वो यूज़ होती है बेसिकली कफ के लिए, टेटानस के लिए, हेपेटाइटिस बी के भी लिए ये वैक्सीन इस्तेमाल की जा सकती है। पेंटा की मुराद है पाँच वैक्सीन जो यूज़ करते हैं हम। उसके बाद PCV10 किसके लिए यूज़ करते हैं, वो है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है, वो काज करता है, वो एक बैक्टीरिया है, वो उसके लिए हम PCV10 स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह ये PCV10 इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, उसके उसको रोकने के लिए हम PCV10 इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है IPV, एक पोलियो वैक्सीन है जिसका फुल फॉर्म है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये यूज़ करते हैं पोलियो के लिए। मीजल्स वैक्सीन होती है वो, ठीक है, और TT वैक्सीन होती है वो टेटनस के लिए यूज़ करते हैं। मीजल्स वैक्सीन जो होती है वो एक मीजल्स वैक्सीन होती है जिसमें दाग चेहरे पे आ जाते हैं उसके लिए, आगे मैं आपको समझाऊंगा। ये वैक्सीन है एक लाइव वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। लाइव वैक्सीन कौन सी होती है, वायरस की OPV, मीजल्स और बैक्टीरिया की BCG वैक्सीन होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, वायरस के लिए OPV, मीजल्स और बैक्टीरिया के लिए BCG, ये क्या होती है, लाइव वैक्सीन होती है। अगर मैं इसके बाद बात करूं जिसको बोलते हैं किल्ड वैक्सीन, यानी वायरस की वैक्सीन कौन होती है, IPV, हेपेटाइटिस बी और बैक्टीरिया के लिए हेपेटाइटिस और PCV10, ये क्या है, किल्ड वैक्सीन, जिसको बोलते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ये बैक्टीरिया और वायरस की वैक्सीन थी। और अगर मैं बात करूं OPV जिसको बोलते हैं पोलियो वैक्सीन, ये किसके लिए, चाइल्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका डोज है 0.5 cc, इंट्रामस्कुलर देते हैं, 90 डिग्री के हिसाब से देते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से OPV वैक्सीन। अगर मैं PCV10 की बात करूं तो वो एक साल के चिल्ड्रन के लिए देते हैं, डोज 0.5 cc है, इंट्रामस्कुलर ही देते हैं और 90 डिग्री पे देते हैं लेफ्ट साइड आर्म की, ठीक है, यानी दाएँ वाली साइड में हम ये वैक्सीन 90 डिग्री पे देते हैं। और उसके बाद है BOPV वैक्सीन, ये यूज करते हैं चाइल्ड के लिए 1 ईयर के लिए, वो एक ड्रॉप की तरह पिलाई जा सकती है, 90 डिग्री पे पिलाई जाती है। देखिए, आपने किसी को देखा होगा तो वो कोई भी ड्रॉप पिलाता है तो 45 डिग्री पे ही पिलाता है। उसके बाद है टेटानस बोलते हैं, टेटानस वैक्सीन होती है 15 से 49 ईयर के लिए, डोज 0.5 cc होते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं और 90 डिग्री पे देते हैं ये टेटानस वैक्सीन, जिसको बोलते हैं टेटानस झटके की बीमारी, जिसको उर्दू में बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं दूसरी वैक्सीन की, पेंटा, अब पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है DPTB वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी भी है, हेपेटाइटिस
ये तीनों वैक्सीन किस में आ जाती हैं? पेंटावेलेंट वैक्सीन में आ जाती हैं ये तीनों वैक्सीन। अब पेंटा का मतलब ये पांच, ये पांच वैक्सीन का मुरक्कब है ये एक वैक्सीन। और पेंटावेलेंट वैक्सीन का अगर मैं डोज की बात करूँ वो 1.5 देते हैं, इंट्रामस्कुलरी देते हैं, डिग्री 90 पे देते हैं, 3 टाइम्स देते हैं, ठीक है। 4 वीक का एक ब्रेक लेते हैं, वो एक वाटर की फॉर्म में होती है ये पेंटावेलेंट वैक्सीन। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करें। और मीजल्स जो हैं वो 9 मंथ के बच्चों को और 15 मंथ के बच्चों को, और 0.5 cc डोज है, इंट्रामस्कुलरी देते हैं और 90 डिग्री पे ही देते हैं मीजल्स वैक्सीन। यानी ये मीजल्स का मतलब है चेहरे पे दाग सफ़ेद आ जाना, ये मीजल वैक्सीन तभी हम ये देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर विल बी अपलोड सून। तो आप सब दोस्तों का शुक्रिया जिस जिसने ये मेरा वीडियो देखा। होप आपको ये समझ में आई होगी पॉइंट। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं।